Karachi listeners, once again, welcome back. Welcome करते हैं तमाम listeners को जिन्होंने अभी tune in किया FM 101. It's 12:34 PM on the dial. साथ हमारा ठीक एक बजे तक प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं नैब के ताबुन से. लेकिन 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 पहले हम एक अदद सॉन्ग प्ले करते चले जो नैब के ताबुन से है. वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे, मजीद बात को आगे बढ़ाएंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को. साथ रहिएगा हमारे और सुनते रहिएगा 101 FM. शब में सुबह के नूर का ऐलान है. जुल्मत शब में सुबह के नूर का ऐलान है. नैब ही हर दौर में अहले वतन का मान है. अहले वतन का मान है. जुल्मत शब में सुबह के नूर का ऐलान है. ऐसी बस्ती हुक्मरानी हो जहाँ कानून की. ऐसी एक बस्ती बसाना नैब ही की शान है. नैब ही हर दौर में अहले वतन का मान है. अहले वतन का मान है. जुल्मते शब में सुबह के नूर का ऐलान है. करप्शन के खिलाफ नैब से कीजिए ताउन. हर करप्शन के खिलाफ नैब से कीजिए ताउन. हर करप्शन के खिलाफ ऐसी हर बाजी करी इनके लिए आसान है. नैब ही हर दौर में अहले वतन का मान है. अहले वतन का मान है. जुल्मते शब में सुबह के नूर का ऐलान है. नैब बदउनवान का करती है हर दम एहतसाब. नैब बदउनवान का करती है हर दम एहतसाब. नैब बदउनवान का करती है हर दम एहतसाब. नैब का मंशूर खुद एक हज़्म में आलीशान है. नैब ही हर दौर में अहले वतन का मान है. अहले वतन का मान है. ज़ुल्मत शब में सुबह के नूर का ऐलान है. सरज़मीने पाक में ये नैब का अरमान है. नैब ही हर दौर में अहले वतन का मान है. अहले वतन का मान है. ज़ुल्मते शब में सुबह के नूर का ऐलान है. सरजमीने पाक से खत्म कर देंगे करप्शन. सरजमीने पाक से खत्म कर देंगे करप्शन. सरजमीने पाक से ये नई नस्लों के हक में नैब का ऐलान है. नैब ही हर दौर में अहले वतन का मान है. अहले वतन का मान है. ज़ुल्मते शब में सुबह के नूर का ऐलान है. नैब ही हर दौर में अहले वतन का मान है. नैब ही हर दौर में अहले वतन का मान है. नैब ही हर दौर में अहले वतन का मान है. अहले वतन का मान है.
सर्स इंतजार की घड़ियां जो है ना वो खत्म हो चुकी हैं, तो बिल्कुल हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में रमेश कुमार जो कि डीलर हैं लैंड रेवेन्यू एक्सपर्ट के. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? खैरियत अल्लाह के एहसान. चले जी, आप जरा हमें बताएंगे कि नैब जो है क्या किरदार अदा कर रहा है? नैब का बहुत तीन चार विंग्स हैं. एक जो विंग्स है वो है प्रिवेंटिव एंड अवेयरनेस के, जिसमें हम लोगों को अवेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि लॉ क्या है, उनमें वायोलेशन क्या होती है, उनको उन वायोलेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या मेजर्स अडॉप्ट करने चाहते. एक तो हमारी ये प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस की विंग है. दूसरी जो है वो हमारी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की विंग है. जो क्राइम हो जाते हैं उनमें हम उसमें इंक्वायरी करके इन्वेस्टिगेशन करके कोर्टों तक कोई केस ले जाते हैं. तो हमारा आज के प्रोग्राम का जो फोकस है वो है अवेयरनेस पे, कि ताकि जो अवेयरनेस इस पॉइंट पे कि जो कराची में प्लाटिंग हो रही है, जो लोग प्लाट एक दूसरे को बेचते हैं, जो विलेजेस के प्लाट हैं या सिंध गोट कच्ची आबाद स्कीम के तहत प्लाट की जो लेन देन हो रही है, उसमें हमारा आज के प्रोग्राम का मकसद है उसको लोगों को अवेयरनेस दें कि ये कौन सा लॉ है और किस तरीके से इसमें डील करना चाहिए. ठीक है, तो अब हमारे लिसनर्स को बताएंगे कि किस तरह से डील करना चाहिए और लिसनर्स लोग जो है वो किस तरह से पहचान सकते हैं कि ये किस तरह का लॉ है. देखिए, ये सिंध गवर्नमेंट जो है कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट 1912 के तहत पूरी जितनी भी जमीन है विद इन सिंध प्रोविंस वो गवर्नमेंट की है. इन्वेस्टमेंट ओनरशिप ऑफ लैंड वेस्ट इन गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट लोगों को अकोमोडेट करने के लिए हर पर्पस के लिए मुख्तलिफ पॉलिसी बनाती है जी. उस पॉलिसी के तहत उस पॉलिसी में टर्म्स एंड कंडीशन दिए जाते हैं कि कौन से पर्पस के लिए किस जमीन को किस हद तक किस एलिजिबल पर्सन को ये जमीन दे सकते हैं. तो प्लाटों के हिसाब से गवर्नमेंट ने जो पर्टिकुलरली सिंध में दो तरीकों से प्लाटों की अलाटमेंट हो रही है, यानी रेगुलाइजेशन ऑफ विलेजेस. पहले विलेज रेगुलाइज होते हैं जी. एक कच्ची आबादी है सिंध गोट आबाद स्कीम एक्ट 1987 व्हिच इज एप्लीकेबल विद अ रूरल एरिया. और दूसरा जो है रेगुलाइजेशन ऑफ विलेजेस. ये रेगुलाइजेशन ऑफ विलेजेस में अर्बन एरिया भी आ जाती है. अर्बन एरिया में वो एक्सक्लूडिंग कच्ची आबादी. कुछ तो डिक्लेयर हो चुकी है कच्ची आबादी. कच्ची आबादी वो है जो 23 मार्च 1985 को जो लोगों ने अनऑथोराइज्ड जमीन को ऑक्यूपाई किया हुआ था उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए वो कच्ची आबादी का इदारा बना. लेकिन एक्सक्लूडिंग डेट एरिया, उसके बाद भी काफी विलेजेस हैं जो लोगों ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं. अब उनको रेगुलाइज करने का एक तरीका है. सिमिलरली सिंध गोड आबाद स्कीम भी एक लोगों को अकोमोडेट करने के लिए एक स्कीम बनी हुई है. वो अलग एक्ट है और रेगुलाइजेशन ऑफ विलेजेस अलग एक्ट है. अच्छा. सिंध कच्ची आबादी जो है वो रूरल एरिया से एप्लीकेबल है. अब होता यह है कि कराची में भी सिंध गोट कच्ची आबादी सिंध गोट आबाद स्कीम के तहत प्लाट अलाट हो रहे हैं जी. वो इसलिए कि पूरी कराची सिटी एरिया नहीं है. पूरी कराची में भी कुछ एरिया जो रूरल की हैं वो नोटिफाइड एरिया है. यानी ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी कराची के लिए लोग सनदें उठा के लोगों को बेच रहे हैं. ये सनद ये देखना चाहिए जो लोग सनद इज द अलाटमेंट ऑर्डर. ठीक है, सनद मीन्स अलाटमेंट ऑर्डर, जिसमें पर्टिकुलर दिए होते हैं अलाट नेम ऑफ द अलाटी, इट्स अ फादर नेम और प्लाट का नंबर, प्लाट की बाउंड्रीज मेंशन की होती हैं और जो साइन की होती है तप्पेदार मुख्तियार एंड डिप्टी कमिश्नर. अब वो सनद दैट इज एन अलाटमेंट ऑर्डर, वो अलाटमेंट ऑर्डर किस तरीके से आदमी चेक कर सकता है जी. क्या वो जेन्युइन है या बोगस है. ठीक है, तो
उनका एक तरीका कार है. एक अलॉटमेंट पहले बनती है सर्वे टीम जो कंस्टिट्यूट करता है डायरेक्टर सिंध गोट आबाद स्कीम के तहत. वो डायरेक्टर एक कमेटी तश्कील देता है. वो कमेटी जाकर फिजिकली सर्वे करके हर आदमी जितनी एरिया उनके पोजीशन में है उसका एक स्केच बनाते हैं, मैप बनाते हैं पूरे गांव का. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा बाकी जो खाली एरिया होती है उसकी वो प्लाट डेवलप करते हैं. सही. जो सिटिंग ऑक्यूपेंट होते हैं, जो यानी ऐसे गांव को डिक्लेयर करने से पहले जितनी भी एरिया पे वो पोजीशन होल्डर था जी, वो उसको उनको ओनरशिप राइट दे देते, सनद दे देते, अलॉटमेंट ऑर्डर. बाकी जो नए लोग जो आबाद होने हैं, जो एलिजिबल पर्सन है, होमलेस पर्सन है, उनको 240 स्क्वायर गज का एक प्लाट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है. अच्छा. अब उसके साथ एक कंडीशन भी होती है कि जो अलाटी है वो 3 सालों में घर बनाएगा. सही. अगर वो घर नहीं बनाता तो वो अलाटमेंट ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसल्ड. हाँ, अगर वो नहीं बना सकता किसी वजूहत के और वो डिप्टी कमिश्नर के पास जाता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, फिर डिप्टी कमिश्नर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि उस पीरियड को वो रिलैक्स कर सकता है. अगर किसी के पास सनद है और 3-4 साल पुरानी है, घर भी नहीं बना हुआ है, उसको उससे पूछना चाहिए कि वेदर ही हैज गॉट एक्सटेंशन फ्रॉम डिप्टी कमिश्नर फॉर हाउ मच पीरियड. उसके बाद यह है कि वो आदमी, अच्छा पहली बात यह है कि जो सनद होल्डर है हिज प्लाट इज नॉट ट्रांसफरेबल फॉर 10 ईयर्स. ठीक है. क्योंकि लोग मिसयूज करते हैं. एक आदमी को प्लाट मिला, वो 2-3 महीने के बाद प्लाट उसने सेल आउट कर दिया, फिर होमलेस बनकर फिर लाइन में खड़ा हो जाएगा कि जी मुझे भी अकोमोडेट करो, मैं भी होमलेस पर्सन हूँ, मैं भी लीजिए बोलूँ. उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक कंडीशन लगाई है कि 10 साल तक जो भी अलाट हुआ है प्लाट वो आदमी ट्रांसफरेबल नहीं होगा वो प्लाट. सही. अच्छा, ये सनद को साइन करने का जो मजाज है वो डिप्टी कमिश्नर है. आजकल बहुत सारी सनदें, जो कि मुख्तियारकारों की इशू की हुई है, वो ऑल आर बोगस. ये बात जहन में रखिए कि मुख्तियार कार सिंध गोट आबाद स्कीम की इशू की हुई सनद या तो बोगस है या कैंसिल है. क्योंकि डायरेक्टर ने एक 1908 में एक नोटिस दिया था पब्लिक को, पब्लिक की आगाही के लिए, कि कराची में बोगस जो सनदें इशू की जा रही थी वो 96 से वो बैन है. लेकिन बैन के बावजूद 2008 तक मुसलसल वो इशू होती रही. तो इसीलिए वो 96 से 2008 तक जितनी भी सनदें इशू हुई है ऑल आर आइदर बोगस आर कैंसल्ड. तो ये जब लेने के टाइम ये देखा जाए. ठीक है. कि जो आदमी सनद बेच रहा है वेदर ही इज इन फिजिकल पोजीशन ऑफ द सेड प्लॉट. अच्छा, अब एक जब एक सर्वे टीम बनती है, जो मैंने पहले अर्ज किया, सर्वे टीम एक नक्शा बनाएगी पूरे गांव का, एक एक प्लाट उसमें वाजे कर देगी कि हु इज इन पोजीशन ऑफ ईच प्लाट. ठीक है. और बाकी जो खाली प्लाट डेवलप करेगी. अच्छा, उसके बाद एक मास्टर लिस्ट बनेगी कि एट द टाइम ऑफ द सर्वे फॉलोइंग पर्सन वर इन पोजीशन. तो सनद ने सनद से देखा जा सकता है कि वेदर हिज नेम इज इंक्लूडेड इन दैट मास्टर लिस्ट, हिज प्लाट इज इंक्लूडेड इन दैट मास्टर प्लान. जो फर्स्ट टाइम सर्वे हुई थी वहां से चेक किया जाता है. अब हो क्या रहा है, लोगों ने कुछ करप्ट अफसरान से मिलकर अपने उन्होंने एक स्टेट एजेंसी खुलवा रखी है.
अच्छा, स्टेट हाँ. एजेंट मिले हुए हैं जी उन करप्ट अफसरान के साथ. स्टेट एजेंट ही सौदा करते हैं, वो ही पैसे लेकर वो कहते हैं कि हम आपको सनद बनवा के देंगे. सही. जो 3 लाख 4 लाख 5 लाख में वो बन जाती है जी. जो पटवारी और मुख्तारकार के कहीं तो झूठे सिग्नेचर होते हैं, या तो वो अफसर मर चुके होते हैं जिनकी सिग्नेचर होती है, या उनकी पोस्टिंग ही नहीं होती, उनकी झूठी सिग्नेचर से बना के दे जाते हैं. अब क्योंकि वो जो बेनिफिशियरी है जो 2-3 लाख रुपए में जिसको प्लाट मिल रहा है जी, वो आगे शिकायत भी नहीं करता. सही है. क्योंकि प्लाट की कीमत तो मार्केट में 1 लाख या 10-12-15 लाख होगी, उसको अगर 2 लाख में 1 लाख में सनद मिल गई तो वो ही इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट क्राइम. तो सर ये जो नैब है, ये हम इधर रिपोर्ट किस तरह कर सकते हैं ऐसे लोगों की, इनको पकड़वा कैसे सकते हैं जो इस तरह के फ्रॉड्स कर रहे हैं? तो इसके सिलसिले में हमारे एक जो ईमेल एड्रेस है जी, वो मैं रिपीट कर देता हूँ. श्योर. nabsindh@gov.pk पे ईमेल भी कर सकते हैं. अच्छा, दूसरा हमारा नंबर है 111-622-622. ठीक है. जो भी आदमी जिसको भी कुछ नॉलेज है वो हमें टेलीफोन पे या ईमेल पे या कोई लेटर लिखकर हमें भिजवा सकता है. जो पर्टिकुलर उसके पास अवेलेबल है या वो भिजवा दें, या जो इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है वो हमें भिजवा दें. हमारा एक सेक्शन है कंप्लेंट वेरिफिकेशन सेल. फिर हम जो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट हैं जो हम ले सकते हैं, लेकर वेरीफाई करते हैं कि उनके कंटेंट्स किस हद तक, जो कंप्लेंट के कंटेंट्स हैं किस हद तक दुरुस्त हैं. ठीक है. अगर दुरुस्त होते हैं तो हम उसकी कॉग्निजेंस लेकर फिर हम डिटेल इंक्वायरी करते हैं. सर आप इसका तरीका बता सकते हैं कि अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स इन कराची, कि हम इनको किस तरह से मतलब सही लोगों से ले सकते हैं, किस तरह से हम प्लॉट्स अलॉट कर सकते हैं? अब उसके लिए जो शख्स सेल आउट कर रहा है जी, पहले तो देखिए कि उसकी जो सनद है साइन किसकी है. अच्छा, मुख्तारकार की है, डिप्टी कमिश्नर की है. ठीक है. नंबर वन. ठीक है. उसमें प्लाट नंबर दिया हुआ है. ठीक है. प्लाट की बाउंड्रीज हैं. सही. वो फिजिकली उस प्लाट पे पोजीशन होल्डर है. ठीक है. अगर 3 साल से पुरानी सनद है, उसने घर नहीं बनाया, तो जाहिर है वो सनद इनफ्रोचेस हो गई. दूसरी, वो रिलेवेंट जो मुख्तारकार है उससे सर्टिफिकेट ले. अच्छा, ही इज द जीनियन सनद होल्डर. और दिस सनद स्टिल स्टैंड इन फील्ड. ऐसा नहीं है कि ये कैंसिल हो चुकी है. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात ये भी, क्योंकि वो सनद 10 साल से ज्यादा पुरानी हो, हमें नहीं पता. ठीक है. तो उसमें डेट तो लिखी होती है. हाँ. अक्सर जो झूठी सनदें होती है उसमें डेट ही नहीं होती. ओके, सही है. ये सनद की पहचान. हाँ, तो उसमें अगर डेट लिखी हुई है और 10 साल पुरानी है जी, तो फिर वो ट्रांसफरेबल है. ठीक है. अगर 10 साल से पहले इशू की हुई है और वो तो ट्रांसफर है, भूल ही नहीं है. ठीक है. तो यानी एक तो डेट देखे कि डेट है इस पे नहीं है. सही है. दूसरा कि किसने इशू की हुई है. ठीक है. तीसरा फिजिकल पोजीशन देखे. ठीक है. फिर मुख्तारकार जो सिंध गोट आबाद स्कीम है उससे रिटिन में कंफर्म कराए कि ये दिस सनद इज अ जेन्युइन. अच्छा, 10 साल के बाद फिर उनको एक कन्वेंट डीड के थ्रू ट्रांसफर की जाती है. गवर्नमेंट जो प्लाट होल्डर, जिसको जो सनद होल्डर है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कि नाउ ही इज फुल फ्लेज ओनर. सही. अब वो जो सनद है, दैट इज ओनली राइट ऑफ द पोजीशन, इट इज नॉट ओनरशिप डॉक्यूमेंट. सनद वाला इज नॉट डोनर ओनर. ये ओनर सनद इज नॉट ओनरशिप डॉक्यूमेंट, इट इज पजेजरी डॉक्यूमेंट. इट गिव्स राइट ऑफ द पोजेशन, नॉट ओनरशिप राइट. ओके, सही है. सर जरा ये बताएंगे कि पब्लिक के साथ क्या वायलेंस किया जाए, क्या फ्रॉड हो रहा है इन इस प्लॉटनेस में सारे सब कुछ? सर वो मैंने मैडम पहले ही बताया कि ये जो स्टेट एजेंट है, हाँ, प्रॉपर्टी डीलर जो है, वो वहां से शुरुआत हो रही है. वो ही
लोगों को मोटिवेट करते हैं, सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि ये प्लाट है, वो प्लाट दिखाते हैं कि ये सस्ता है, हम आपको कागजात बनवा के देंगे। वो जो बनवा के देते हैं वो सारे बोगस होते हैं। इस तरीके से हमने एक बड़ी इंक्वायरी की है धनी परतो विलेज। ठीक है, धनी परतो विलेज में जो एरिया है वो है कोई 50-60 एकड़ और उसमें 600-700 घर हैं, लेकिन उसकी सनदें हमने जब देखी तो 2300 से ज्यादा इशू हुई है। अब सारे लोगों को चीट किया हुआ है। कुछ एरिया जो एडजॉइनिंग गवर्नमेंट लैंड थी 100 एकड़ वो उन्होंने कब्जा कर लिया है, बाकी जो मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी की 115 एकड़ थी उस पर भी उन्होंने कब्जा किया हुआ था। जो कल या शायद एक हफ्ता पहले कुछ तो इंक्रोचमेंट रेवेन्यू वालों ने हटा दिए, अब कुछ हट रही है। सिमिलरली एक और विलेज है अब्दुल मालिक चांडियो। अच्छा, अब्दुल मालिक इज अ नोटोरियस क्रिमिनल पर्सन। अच्छा, वो एक सोशल वेलफेयर तंजीम बना के उनका हेड बना और उनका हेड बना के लोगों को वेलफेयर के फंड में पैसे लिए, रसीदें दी। अब वहां दिखा रहा है गांव की वेलफेयर, और वेलफेयर में 3-3, 4-4 लाख 5-5 लेकर गवर्नमेंट का प्लाट उनको उन्होंने पोजेशन दे दिया। हालांकि वो प्लाट वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वालों का था, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वाले चीखते चिल्लाते रहे लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। सारे जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो मिली हुई थी उन चीटर के साथ, अब्दुल मालिक चांडियो के साथ, और वो उनको उनसे पैसे लेते रहे। फिर अब्दुल मालिक चांडियो ने अपनी सियासी अप्रोच इस्तेमाल करके वो विलेज सेंक्शन करवाया। ठीक है, अब लोग भी राजी हो गए कि जी हमने पैसे भरे, हमारा विलेज तो सैंक्शन हो गया। ठीक है, अब वो क्यों हमारे पास शिकायत करेंगे? शिकायत के लिए कोई आ नहीं रहा। लेकिन जब नैब ने इंक्वायरी की कि भाई आपने जो पैसे लिए हैं वो लिए हैं वेलफेयर के फंड्स में, अब वेलफेयर एक एसोसिएशन है गांव की वेलफेयर, वो ओनर कब बन गई प्लाट की? अब वेलफेयर में रोड रस्ते नालियां तो बना सकते हैं, अब प्लाट तो किसी को नहीं दे सकते, यू आर नॉट ओनर ऑफ द प्लाट। तो उसने जो प्लाटों के अलॉटमेंट की हुई थी उसको रिग्लाइज कराने के लिए उसने गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके उसने विलेज सैंक्शन कराया। इवन आफ्टर सैंक्शन ऑफ द विलेज तब भी जो सिटिंग ऑक्यूपेंट है ही इज नॉट ओनर बिकॉज ही हैज नॉट पेड अ सिंगल पेनी टू गवर्नमेंट अगेंस्ट लैंड कास्ट। तो वो भी उसने अभी पैसे जमा कराने हैं जो कि डिप्टी कमिश्नर साइट पे जाकर विजिट करेगा हर एक का पोजीशन। यानी ये जो है सिंधु घोट आबाद स्कीम का केस नहीं है, ये रेगुलराइजेशन ऑफ विलेज है। ठीक है, सिंधु घोट आबाद स्कीम जैसे मैंने अर्ज किया इट इज एप्लीकेबल विद रूरल एरिया। अब ये जो अब्दुल मालिक चांडियो है ये सिटी एरिया का है। सही। तो सिटी, तो उसने ये जो पैसे उसने ले लिए, गवर्नमेंट को कुछ मिला नहीं। अब हम जब गए गूगल पे, गूगल पे देखा कि 2004 में, 2002 में, 2003 में तो वो खाली प्लाट था। गांव तो रेगुलराइज वो हो सकता है जो 2000 से पहले एस्टेब्लिश है, ये एक कंडीशन है कि 2000 से जो पहले एस्टेब्लिश होगा वही गांव होगा, सैंक्शन होगा। सही है, सही है। अच्छा, आप लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे तमाम सुनने वालों को? बस मैं यही लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो डीलर हजरात हैं जी, एजेंट जो है प्रॉपर्टी एजेंट, इनके थ्रू इन प्लाटों की जो सिंध घोट आबाद स्कीम की प्लाट हैं या विलेजेस के प्लाट हैं इनके थ्रू डील न करें, इसकी वेरिफिकेशन जरूर कराएं। और वेरिफिकेशन रिटर्न में एक सर्टिफिकेट ले मुख्तियार कार से या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से कि ही इज जेन्युइन अलॉटी। ठीक है, ओके। और एजलिसनर्स, हमारे साथ मौजूद रहे रमेश कुमार जो कि डीलर थे लैंड रेवेन्यू एक्सपर्ट के, और मैं थी आपके साथ आरजे महम खान। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा रखना है अपने ख्याल। हियर वी गो, टाटा बाय बाय।